एंटी ट्रांसपेरेंस सच मटेरियल आर अप्लाइड टू ट्रांसफरिंग प्लांट सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। मतलब क्या हुआ, ऐसी मटेरियल जो प्लांट के सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, इसीलिए तो इसका नाम एंटी। एंटी मतलब क्या होता है, जो आपका विरोधी होता है, और ट्रांसप्रिंग ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपिरेशन रोकने वाला, मतलब ट्रांसपिरेशन का विरोधी, इसलिए इसका नाम रखा गया है एंटी ट्रांसपेरेंट। अब इसके टाइप देख लेते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट आर फोर टाइप, मेनली कितने प्रकार के होते हैं, चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, एक फिल्म फॉर्मिंग। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप को देख लेते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनको पत्तियों की सतह और स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, इसलिए स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप नाम से पता चलता है। तो इसका आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार आता ही है। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कौन कौन से होते हैं, एक तो PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, दूसरा हर्बिसाइड लाइक एट्राजीन लो कंसंट्रेशन, एक होता है एब्सिसिक एसिड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है। ऑप्शन दे देंगे आप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, दूसरा फिल्म फॉर्मिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप या ग्रोथ रिटार्डेंट, ऐसे ऑप्शन दे देंगे आप। तो आपको उसमें से क्या सही करना है, CO2 किस टाइप का है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, एट्राजिन पूछ लिया जाता है, CO2 भी पूछ लिया जाता है, और FCC, ये आपको इनके एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग मतलब पत्तियों के ऊपर एक पतली सी परत बना देते हैं। फिल्म मतलब यहाँ फिल्म का मतलब वो वाली पिक्चर नहीं है आप, फिल्म का मतलब वो वाली पिक्चर आगे शाहरुख खान की, सलमान खान की, आइए देखो वो वाली फिल्म नहीं है। फिल्म का मतलब होता है बारीक सी लेयर, जो पत्तियाँ होती है, ऐसी पत्ती होती है उसके सतह पर एक बारीक सी लेयर बन जाती, उसको बोलते हैं फिल्म फॉर्मिंग, मतलब फिल्म एक बारीक सी लेयर बनाने वाली। रिटार्ड मॉइस्चर लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म, मतलब बारीक सी पतली लेयर बन जाती है और फिजिकल बैरियर का काम करती है। बैरियर मतलब बैरियर, वो सड़क पे लगे होते हैं बैरियर, उसको बैरिकेड बोलते हैं, वही बैरियर मतलब उसको रोकने का काम करती है। वो आपको रोकने के लिए होते हैं और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए लगाई जाती है। तो इसमें क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। एक होता है मोबिलिप, एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आपको कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं आपसे, डेफिनेशन नहीं पूछ जाएगी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया नाम के साथ। एक होता है मोबिलिप, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन ऑयल और वैक्स, इसके एग्जाम्पल है फिल्म फॉर्मिंग टाइप की। नेक्स्ट देख लेते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब होने नहीं देता है, जैसे ये पत्ती की सतह यहाँ से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट कर देना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। सच मटेरियल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड दस रिड्यूस द लीफ टेम्परेचर, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देंगे लीफ का टेम्परेचर कम हो जाता है, एंड वेपर प्रेशर ग्रेडिएंट फ्रॉम लीफ टू एटमॉस्फेयर एंड अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन रिड्यूस, ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सिलाइट, सिलाइट ए डाइटोमेशियस अर्थ प्रोडक्ट, दूसरा काओलिन, जो काओलिन बोल दो या केओलिन बोल दो, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्ट टाइप का, जब भी एग्जाम में पूछा गया यही पूछा गया, लेकिन आप इस सिलाइट को ध्यान रखना। आगे क्या लिखा, एप्लीकेशन ऑफ 5% काओलिन या केओलिन बोल दो, स्प्रे रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लॉस, 5% काओलिन का यूज किया जाता है, केओलिन का यूज किया जाता है। तो आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है, और ये मस्ट है, आपको रखनी ही है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। रिटार्डेंट का मतलब क्या होता है, कम करना, ग्रोथ को कम कर देते हैं। कौन कौन सा, सच केमिकल रिड्यूस द शूट ग्रोथ, मतलब पत्तियों, अब जितनी पत्तियाँ होगी उतना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो ये क्या करते हैं पत्तियों की ग्रोथ को कम कर देते हैं। सच केमिकल रिड्यूस द शूट ग्रोथ एंड इंक्रीज द रूट ग्रोथ, ग्रोथ रिटार्डेंट क्या काम करते हैं, शूट की ग्रोथ को कम कर देते हैं, रूट की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। दस द इनेबल द प्लांट टू रजिस्टर ड्राफ्ट, अब रूट ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गहराई जाएगी, तो उसको रजिस्टेंस है, जो ड्राउट सूखा होता है ड्राउट, उससे रजिस्टेंस हो जाती है, जड़ ज़्यादा गहराई में जाएगी। इट आल्सो इंड्यूस स्टोमेटल क्लोजर, और क्या करते हैं ये, स्टोमेटा को क्लोज करने का काम भी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, साइकोसेल, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है और ये हमेशा पूछा ही जाता है, साइकोसेल बोल दो या CCC बोल दो, एक ही चीज़ है और एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है।
एंटी ट्रांसपेरेंट जनरली रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस कम करते हैं, देयरफॉर देयर यूज इज लिमिटेड टू सेव द क्रॉप द डेथ अंडर सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस, दे हैव सम प्रैक्टिकल यूज इन द नर्सरी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, किसका साइकोसेल ग्रोथ रिटार्डेंट ट्रिपल सी जिसको बोलते हैं, उसका काम नर्सरी में हॉर्टिकल्चर क्रॉप में भी कुछ यूज है, सम कुछ कुछ कामों में काम आ जाता है। और देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, अब अपन पढ़ते हैं सोविंग मेथड। सोविंग मेथड का मतलब क्या होता है, बुआई की विधियाँ, सोविंग मतलब सोविंग करना, तो बुआई की विधियाँ सोविंग मेथड को अपन पढ़ लेते हैं। सोविंग मेथड में क्या क्या है, सोविंग मेथड में कौन कौन सी मेथड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, तो आप देखें। और एक बात और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना, मतलब तो कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा तो बोलेंगे सर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं, तो आप एक बार वीडियो को शांति से देखना, और ये चीज़ें समझने वाली रटने वाली चीज़ नहीं, रटने वाली चीज़ें मैं आपको अलग ही बता दूंगा। जनरल एग्रीकल्चर इसलिए मैंने उसको पहले स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है रटने वाला है, ज़्यादातर पार्ट मैं उसको भी कवर करवाऊंगा, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो पार्ट है रटने वाला है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में कुछ पार्ट रटने वाले ज़्यादा है, एग्रोनॉमी भी रटने वाले हैं, लेकिन क्या क्रॉप्स, एग्रोनॉमी जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स वाला जो पार्ट है वो क्या है रटने वाला पार्ट है।